बैठ जाओ टीचर आ रहे हैं। बच्चों आज हमारा आखिरी सबक है और ये जो दीन आपने सीखा है ये बहुत कीमती है, इसको जाया मत करना। ठीक है उस्ताद साहब। इल्म रोशन है और दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है, इसको संभाल के रखूंगा। अरे जूता टूट गया यार, इसको भी यहीं पे टूटना था। जेब में पैसे भी नहीं है, अब इसको कैसे ठीक करवाऊं? आइडिया। अरे मोची भाई मेरा जूता टूट गया है, ये मुझे जूता सिल के दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं आपको एक दीन का मसला सिखा दूंगा। अबे निकल, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर, अपना मसला अपने पास रख, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए पैसे। यार दीन बहुत कीमती चीज है। चलो मैं आपको एक मसले के बदले दो मसले सिखा दूंगा। चल चल अपना जूता पकड़ निकल यहाँ से। टीचर ने तो कहा था दीन बड़ा कीमती है, ये तो मुझे दीन के बदले एक जूता तक नहीं सीख दे रहा। अभी जाता हूँ टीचर के पास। उस्ताद जी बाहर आइए। जी बेटा। उस्ताद जी आपने तो कहा था कि दीन की बड़ी कीमत है, अच्छी कीमत है, मोची ने तो मुझे इस दीन के बदले में एक जूता तक सीख नहीं दिया। बेटा आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको ये एक मोती दे रहा हूँ, जाओ सब्जी वाले से इसकी कीमत मालूम करके लाओ। ठीक है उस्ताद जी। 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू। अरे भाई साहब मेरे पास एक मोती है, आप मुझे इसके बदले में कितने पैसे दोगे? मैं तुम्हें इसके बदले 2 आलू ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इसके साथ खेलेंगे। नहीं नहीं लो मेरा मोती वापस करो। उस्ताद जी सब्जी वाला तो इसके बदले में 2 आलू भी बड़ी मुश्किल से दे रहा था। अच्छा 2 आलू, जाओ बेटा इस मोती की कीमत सुनार से मालूम करके लाओ। ठीक है उस्ताद जी। अरे सुनार साहब मेरे पास एक मोती है, आप मुझे इसके कितने पैसे दोगे? अरे भाई साहब ये मोती आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत कीमती मोती है, मैं अगर अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं फिर भी आपको पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगा। क्या लो लो मेरा मोती वापस करो। उस्ताद जी सुनार तो इस मोती के बदले में पूरी दुकान देने के लिए तैयार था, वो कह रहा था ये बहुत कीमती हीरा है। देखा बेटा जब तुम इस मोती को सब्जी वाले के पास ले गए तो उसने इसकी कीमत क्या लगाई, और सुनार इस मोती के बदले में अपनी पूरी दुकान देने के लिए तैयार था, वो इसकी असली कीमत जानता था। इसी तरह बेटा दीन की भी एक कीमत है, अगर तुम इसकी कीमत किसी जाहिल से पता करोगे तो वो इस दीन की कीमत 2 आलू के बराबर ही लगाएगा, अगर तुम दीन की कीमत किसी अहले इल्म से पता करोगे तो वो इसकी असली कीमत जानता होगा कि दीन कितना कीमती है। और याद रखना बेटा दीन दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है। भाइयों दीन इस्लाम अमन का पैगाम देता है, जिस दीन के अंदर रोड से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिले उसको दहशतगर्दी का नाम देना बिल्कुल गलत बात है। किसी भी मजहब का इंसान हो वो दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता, इसलिए नफरतें मत फैलाएं, एक दूसरे का साथ दें, दुनिया के अंदर अमन का पैगाम पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर जरूर कर दें।